प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों पर स्वस्थ होंगे कोरोना की इस महामारी में। तो माइसेल्फ प्राण और स्वागत है आप सभी का हमारे संडे डोज में फाइव व्हील चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर ना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जिस तरह मंदिर की घंटी को बजाते हैं उसी तरह हमारे चैनल की घंटी को बजा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पवन चक्की। चलिए देखते हैं। पवन चक्की को हम लोग अंग्रेजी भाषा में विंड मिल या विंड टर्माइन के नाम से जानते और पहचानते हैं दोस्तों। तो आज हम समझेंगे कि पवन चक्की बनता कैसे है और पवन चक्की से बिजली कैसे बनाई जाती है। दो टॉपिक्स इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, जो सिंपल सा फंडा है कि पवन चक्की ये क्या करता है, वायु की जो गतिज ऊर्जा है क्या कि वेग से बहते रहती है। वायु के जब बहती है तो उसका एक स्पीड होता है, ठीक है, निश्चित नहीं होता लेकिन एक स्पीड होता है जब बहती है। तो वो स्पीड के कारण इसके ब्लेड रोटेट करने लगते हैं, ठीक है। तो जो रोटेट करते हैं तो वायु की गतिज ऊर्जा को ये गियरबॉक्स इसके भीतर जो एक बॉडी में रहता है वो क्या करता है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में बदल कर बिजली हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे ये पवन चक्की, चक्की लिखा है तो इसका मतलब कि ये आटा चक्की जैसे होगा जिसमें गेहूँ पीस कर हम लोग आटा निकालते हैं। नहीं, ये पवन चक्की है जो हवा को पीस कर ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा से हम लोग बिजली प्राप्त करते हैं। हमारी जनसंख्या करीब 1,30,00,000,000 है, ठीक है। लेकिन हर एक घर तक बिजली पहुंचाना है, जिस तरह हर एक आदमी को जिंदा रहने के लिए पानी, कपड़ा, मकान, रोटी सब चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो उसी तरह हर एक घर तक बिजली भी पहुंचाना है। तो इतनी बड़ी आबादी को अगर आप एक ही स्रोत पर निर्भर हो जाए, जैसे मान लीजिए कोयले से बिजली बनाई जाती है, तो कोयला पर ही अगर आप डिपेंडेंट हो जाएँ तो एक ना एक दिन तो कोयला ख़त्म हो जाएगा, तब आप लोगों को कैसे ऊर्जा दे पाएंगे, विद्युत ऊर्जा। तो उसीलिए हमारे वैज्ञानिक एक स्रोत पर निर्भर न होकर बहुत सारे प्राकृतिक और गैर परंपरागत स्रोतों पर भी निर्भर हैं, ठीक है। तो उसी में एक हमारा आता है पवन चक्की। देश का कुल जो ऊर्जा उत्पादन, जैसे हाइड्रो पावर स्टेशन, कोयला संयंत्र, जल टर्बाइन से जो बिजली उत्पन्न होता है, तो कुल का 10% भाग वो देश में केवल पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, ये एक दो की संख्या में नहीं लगाया जाता है। जैसे कहा जाता है कि थूक चाटला से प्यास ना मिटी आ ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन, ठीक है। तो आपके पास डिमांड बहुत है तो थोड़ा सा प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सभी को आपको बिजली देना है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा संख्या में लगाया जाता है, जैसे 200, 400, 500 की संख्या में लगाया जाए, ताकि लोगों को उतने क्षेत्र के एरिया के लोगों को बिजली मुहैया कराई जा सके, ठीक है। तो इसमें हम समझते हैं कि सबसे पहले कि पवन चक्की का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो पवन चक्की का निर्माण होता है तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं टावर, ठीक है। ये लंबा पार्ट दिख रहा है, ये जमीन से लेकर यहाँ तक पंखे तक, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं टावर, ठीक है। ये टावर एक पूरा लंबा शेप नहीं रहता है, ये छोटे छोटे सेक्शंस में, टुकड़ों में बटा रहता है, ठीक है। और इसको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख कर कस दिया जाता है और तब पूरा टावर बनता है। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे प्रॉब्लम वाला काम है इसका बेसमेंट तैयार करना, ठीक है। और ये भीतर से खोखला होता है, सॉलिड नहीं होता, भीतर से खोखला रहता है। इससे क्या फ़ायदा है कि इसका वेट भी नहीं बढ़ता है, और दूसरा क्या फ़ायदा है कि इसको आसानी से टांग कर रखा जा सकता है। और फिर इससे एक फ़ायदा है कि मान लीजिए कि ऊपर ब्लेड में, रोटर हब में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आप भीतर भीतर सीढ़ी से जाकर और आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा इससे फ़ायदा है कि मान लीजिए कि जो बिजली बन रहा है ऊपर जनरेटर से, तो उसके से जो केबल आ रहा है, तार आ रहा है बिजली बनकर, उसको भीतर भीतर ही हम लोग ले कर रख देते हैं, जिससे तार भी सुरक्षित रहता है धूप वर्षा से। और नहीं रहता, ये भीतर से सॉलिड रहता तो बाहर बाहर लाते तो तार भी मान लीजिए सड़ गल जाता, ख़राब हो जाता, तो इसलिए इसका लाइफ टाइम भी वायर का बढ़ जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि रोटर जो विंड मिल होता है उसमें सबसे पहला पार्ट होता है इसका ब्लेड और रोटर हब। तो जिस पार्ट में ब्लेड जुड़ा रहता है, विंड मिल के जिस पार्ट में ब्लेड जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं रोटर, या इसको बोलते हैं रोटर हब, ठीक है।
इसी रोटर हब में तीनों ब्लेड हमारे जुड़े रहते हैं और ब्लेड की लंबाई करीबन 60 फीट 70 फीट होती है। जैसे 1.5 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने वाले 1.5 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने वाले पवन चक्की की ऊंचाई 212 फीट होती है, ठीक है, और इसके ब्लेड की लंबाई 116 फीट होती है, ठीक है, इतना लंबा लंबा इसका ब्लेड होता है, ठीक है। तो एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में इसको बहुत दिक्कत होता है। आप देखिए कि इसका ब्लेड कितना लंबा है, ठीक है, तो इसको उन्हीं जगहों पर लगाया जा सकेगा जहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़िया हो, ठीक है, हाईवे हो, 8 लेन सड़कें हों। तो देखिए इसके लिए स्पेशल गाड़ी भी बनाया जाता है, जैसे एक गाड़ी यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर, और तब इसको लेकर जाया जाता है, ठीक है। तो कितना दिक्कत होता है इसके ब्लेड को ले जाने और ले आने में एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक है। तो जहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़िया होगी वहीं पर हम पवन चक्की को लगाएंगे, ठीक है। और भी क्या कारण है जिनसे के कारण ये लगाया जाता है कि जैसे अगर हवा का वेग करीबन 15 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है अगर हवा का, तो उन्हीं जगहों पर लगाया जाएगा। दूसरा, जहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़िया हो वहीं पर लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें समझना था। अब चलिए समझते हैं कि ब्लेड को पवन चक्की में कैसे जोड़ते हैं। तो इसके लिए दो विधि है हमारे पास। पहली विधि है, जैसे देखिए इसमें हम आप टावर खड़ा कर दिए, ठीक है, और इस वाले पार्ट में जिसमें सभी मशीन रहते हैं बिजली बनाने वाले, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं नेकल, ठीक है, जिसमें बिजली बनाने वाले सभी मशीन लगे रहते हैं, गियर बॉक्स, जनरेटर, सब रोटर हब सब जिसमें जुड़े रहते हैं, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं नेकल, ठीक है। तो नेकल में ब्लेड दो विधि से जोड़ा जाता है। देखिए सबसे पहली विधि है कि आप टावर खड़ा कर दिए और टावर में आप नेकल वाला पार्ट जोड़ दिए, क्रेन से रखकर इसको जोड़ दिए, और इसमें क्या किए आप रोटर हब में तीनों ब्लेड को लेकर जोड़ दिए हैं और इसको क्रेन की मदद से इसमें लाकर फिट कर दिए, नट बोल्ट से कस दिए। तो ये पहली विधि है जिसमें रोटर हब में तीनों ब्लेड कस दिए हैं और नेकल वाले पार्ट में सीधे जोड़ दिए, ये पहला विधि है। और दूसरी विधि है कि आप टावर खड़ा कर दिए, टावर को जोड़ जोड़ कर खड़ा कर दिए और इसमें नेकल वाला पार्ट जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब क्या किए हैं, इसमें रोटर हब जोड़ दिए हैं और एक एक ब्लेड को किरान की मदद से उठा उठा कर रख देंगे, जोड़ देंगे। तो ये सब दोनों विधि हैं, ये रोटर ब्लेड रोटर में हब में ब्लेड इसी विधि से जोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए अब समझते हैं रोटर हब के बाद और ब्लेड के बाद दूसरा इसका पार्ट है नेकल वाला पार्ट। बताएं नेकल वाले पार्ट में सब मशीन रहता है जिनसे बिजली बनता है। यहाँ पर देख रहे हैं दो आदमी है, ठीक है। तो ये रोटर हब का जितना जो बिजली बनाने का काम है तो ये सब इसी के अंदर रखा जाता है मशीन को, ठीक है। और इसको ले जाकर कोई भी डिफॉल्ट आता है तो इन नीचे से चढ़ कर या फिर किरान की मदद से आदमी को इस पर चढ़ जाते हैं और इसको ठीक करके उतर जाते हैं। तो देखिए गियर बॉक्स, जनरेटर इसके पीछे रहता है, सब पार्ट इसमें रखे जाते हैं। तो इस वाले पार्ट को बताएं हम आपको नेकल कहा जाता है, ठीक है। और इसको जब इसका निर्माण किया जाता है पहुँच के, तो इसको केवल खाली किरान की मदद से टांग कर रख दिया जाता है और उसके बाद इसमें जो टरबाइन होता है इसको किरान की मदद से इसमें रखा जाता है। इससे फायदा है कि ये भारी नहीं होगा तो आसानी से किरान से टांग कर इसको रखा जा सकता है और उसको बाद में हम लोग टरबाइन इसमें फिट कर देंगे, ठीक है। और ऊपर आदमी रहता है, इसको टांग कर रखा जाता है, ये आदमी इसमें फिट कर देता है, कस देता है, ठीक है। तो पूरा बिजली बनाने का मैकेनिज्म जो मशीन है यही है, यही टरबाइन है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि इसके भीतर क्या पार्ट पुर्जा होता है जिससे बिजली बनती है, ठीक है, कि निकल के भीतर कौन सा पार्ट पुर्जा होता है जिससे बिजली बनाई जाती है। तो सबसे पहले आपको समझा दिए हैं कि ये रोटर हब है जिसमें तीनों ब्लेड जुड़ा रहता है, ठीक है, रोटर हब में तीनों ब्लेड जुड़ा रहता है। दूसरा, इस रोटर हब से एक शाफ्ट जाता है जो गियर बॉक्स में जाकर जुड़ता है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो पवन चक्की वो बहुत धीमा धीमा चलता है तो इससे इतनी बिजली कैसे बनेगी। तो देखिए समझाते हैं कैसे। देखिए जो पवन चक्की चलती है तो जो धीरे धीरे, तो इसके अंदर गियर बॉक्स रहता है
वो क्या करता है, इसके आरपीएम को लो आरपीएम से हाई आरपीएम कर देता है, कि पवन चक्की अगर एक बार घूमती है तो इसका गियर बॉक्स ये जो शाफ्ट से जुड़ा हुआ है ये 90 टाइम्स उसके भीतर रोटेट कर जाता है। जैसे समझिए जो साइकिल आप स्टैंड पर खड़ा करके और उसका पोडल एक बार घुमाते हैं तो इसका चक्का 20 से 25 बार घूम जाता है सो। तो इसके रोटेशन का रेशियो कितना है, 1:20, ठीक है, कि एक बार अगर पैडल ना चाहे तो 20 बार इसका चक्का नाच जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह इसमें है कि इसमें अगर एक बार ब्लेड रोटेट करता है तो इसके भीतर गियर बॉक्स 90 टाइम्स रोटेट कर जाता है, तो इसके रोटेशन का रेशियो है 1:90, ठीक है। तो इसी कारण धीरे धीरे भी चलता है तो ये तेज करके उससे बिजली बनाता है। अब देखिए तो गियर बॉक्स का काम क्या है, लो आरपीएम से हाई आरपीएम में बदलना। अब इसके बाद देखिए कभी कभी हवा का स्पीड बहुत तेज हो जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर मान लीजिए 15-20 किलोमीटर बाहर हो तो भीतर तो उससे 90 गुना ज़्यादा होगा, तो उस स्थिति में मशीन ख़राब हो सकता है, टूट फूट सकता है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने इसमें एक ब्रेक सिस्टम लगा दिया रहता है, ठीक है। ब्रेक सिस्टम से क्या होगा कि अगर वायु का वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस स्थिति में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा और पवन चक्की रुक जाएगा, ठीक है, जिससे वो पवन चक्की सुरक्षित रहेगा। तो ये ब्रेक सिस्टम इसमें लगा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको बताए थे कि गतिज ऊर्जा को गियरबॉक्स यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। अब यांत्रिक ऊर्जा में जो बदला है उसको क्या करता है जनरेटर, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। जनरेटर का फंडा क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा यहाँ उत्पन्न हुई है इसको हम लोग इसमें जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। विद्युत ऊर्जा में देखिए दो किनारे किनारे चुंबक लगे होते हैं और बीच में एक शाफ्ट रहता है, रॉड रहता है, तो जब ये रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, उससे फ्लक्स बनता है और उसी फ्लक्स के कारण बिजली बनती है और ये तार के माध्यम से नीचे लाई जाती है, ठीक है। तो ये इसका फंडा भीतर क्या रहता है जिससे बिजली बनती है, ठीक है। अब देखिए जो पुराना वाला पवन चक्की था उसमें दिशा के बदलने पर पवन चक्की नहीं दिशा अपना बदल पाती थी। जैसे वायु का दिशा पूरब से पश्चिम हो गया, अगर आप पवन चक्की को उत्तर से दक्षिण रखे हैं तो हवा दूसरे दिशा से बह रही है, पवन चक्की का मुंह दूसरे तरफ से है, तो उस स्थिति में पवन चक्की नहीं घूमेगा। लेकिन आज वो समाधान हो चुका है। देखिए जो ये पवन चक्की है इसके सबसे पीछे एक यंत्र लगाया गया रहता है जिसको कहते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है कि दिशा को बताता है, ठीक है, कि वायु किस दिशा से बह रही है, ठीक है। तो जिस दिशा से बह रही है तो इसके नीचे से एक वेलोसिटी सेंसर आता है और वो बताता है आकर निकल वाले पार्ट के नीचे, और वो क्या करता है अपना दिशा चेंज कर लेता है। पूरा शरीर नहीं घूमता है, पूरा टावर नहीं घूमता है, केवल निकल वाला पार्ट रोटेट कर जाता है। ये जब बैरिंग लगे हुए हैं ना, बैरिंग जैसा ये इसी पर रोटेट कर जाते हैं। तो ये कौन बताता है, एनीमोमीटर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं याविंग, ठीक है, कि वायु की दिशा बदलने पर निकल वाले पार्ट का अपना दिशा बदल लेना है, ठीक है। तो ING किसी वर्ड में जोड़ दीजिए मतलब काम चालू है, डांसिंग मतलब नाच रही है तो मतलब काम चालू है नाचने का, ईटिंग ING जोड़ दीजिए तो मतलब खाना का काम चालू है, ठीक है। तो इसी तरह याव प्रोसेस है, इसमें ING जोड़ दीजिए मतलब काम चालू है, ठीक है। तो ये समझ गए। अब देखिए तो जब बिजली बन गया तो आप लोग सोचेंगे कि हम लोग का घरों तक तो बिजली कैसे आती है, क्योंकि हमारे एरिया में तो पवन चक्की है नहीं, ये तो उधर पूरे जहाँ पहाड़ पठारी एरिया होता है उधर ही स्पेशली ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि उधर ट्रांसपोर्ट की सुविधा ठीक रहती है और उधर वायु का वेग भी बढ़िया रहता है, ठीक है, तो उधर लगाया जाता है। तो आप लोग सोचेंगे उतना दूर से बिजली आता कैसा है, तो देखिए जो आप लोग का पवन चक्की में बिजली बना विंड टर्बाइन में, तो ये विंड टर्बाइन से केबल के द्वारा हमारा आ गया नीचे, ठीक है, और नीचे होते होते आएगा ये ट्रांसफार्मर के पास। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो भी बिजली आई है उसके वोल्टेज को बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए 500 वोल्टेज आया तो ये क्या करेगा, इसको मान लीजिए 1000 वोल्टेज कर देगा, ठीक है, 1000 या 2000, मतलब ट्रांसफार्मर का काम है कि वो वोल्टेज बढ़ा देगा, जो भी बिजली आई है उसके वोल्टेज को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये दूसरे, अब इसके बाद आती है ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज बढ़ा दिया गया अब उस बिजली को ग्रिड में सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है,
ग्रिड आप लोग देखे होंगे, बहुत ऊंचा ऊंचा होता है ग्रिड, ठीक है, तो इसमें आ जाता है और इसके बाद से धीरे 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 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सभी एरिया में सब पावर स्टेशन के द्वारा, और तब आपके घरों तक आ जाती है और आप लोग टोका फंसा के बिजली अपने घरों तक ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह जहाँ पवन चक्की से बिजली बना और आपके घरों तक आती है, तो ये प्रोसेस है, ठीक है। अब समझते हैं कि जब हर चीज़ के कहा जाता है कि दो पहलू होता है, ठीक है, उसी तरह जैसे अपने देश में भी है कि गांधी जी का समर्थक भी हैं लोग और असमर्थक भी हैं लोग, ठीक है। तो कोई भी चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये पवन चक्की है तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा इसका। तो देखिए, पहला डिसएडवांटेज है कि अगर वायु का वेग बहुत बढ़ जाता है तो उस समय ब्रेक सिस्टम भी काम नहीं करता है, तो हवा बहुत तेज हो जाती है तो इसका ब्लेड टूट जाता है, देख रहे हैं आप, इसका ब्लेड टूट जाता है। तो उस स्थिति में क्या करना पड़ता है, तो ये बहुत खर्च आता है और इसके ब्लेड को बदलना पड़ता है। तो इसका पहला ये डिसएडवांटेज है कि वायु का वेग अगर बढ़ जाए तो पवन चक्की के पंखे टूट जाते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि ये ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, तो ऊंचाई पर तो पक्षी उड़ते हैं, आदमी तो उड़ता नहीं है, तो ऊंचाई पर पक्षी जो उड़ते हैं अगर ये पवन चक्की उस समय चल रहा है तो उतने पक्षियों को काट देता है, ठीक है। इसका ये फायदा है कि ये प्रदूषण मुक्त है, लेकिन कुछ लोग कहता है कि इससे पक्षी मर रहा है तो इसको बंद कर दिया जाए। तो अरे भाई, पक्षी इसको बचाएंगे तो हम लोग कोयला से बिजली बनाएंगे, कोयला से धुआं धुआं खींचते खींचते हम लोग मर जाएंगे। तो कुछ फायदा के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसलिए अब इसको बचाइएगा तो आप मर जाइएगा, ठीक है, तो क्या करिएगा। तो इसलिए कुछ कुछ मर जाते हैं, चील बाज खासकर ऊंचाई पर उड़ते हैं और शिकार जब मिलता है तभी नीचे लैंड करते हैं, तो ये लोग अगर पंखे की चपेट में आ जाते हैं तो ये लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो इनकी ये प्रजाति पर भी खतरा रहता है, ठीक है। अब देखिए, इसका तीसरा डिसएडवांटेज है कि इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसके अंदर कुछ फॉल्ट हो गया, ठीक है, इसके इंटरनल सिस्टम में कुछ फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट कर गया, तो ये पूरा जल कर राख हो जाता है, तो बहुत पैसा लगता है एक को बनवाने में, आपको बताएंगे, ठीक है। तो उस स्थिति में इसको बदलना पड़ता है, हटाना पड़ता है। अगर पूरा ब्लेड वगैरह भी जल गया तो एक गया, अब 500 लगाए तो ये 499 बच गया और ये गया, तो फिर इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा इसका ये डिसएडवांटेज है। अब देखिए, चौथा इसका डिसएडवांटेज है कि ये जो ब्लेड होता है इसका, ये ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब जो सड़ेगा गलेगा नहीं। तो जो सड़ेगा गलेगा नहीं तब उसको क्या करेंगे, तब उसको क्या किया जाता है, खेत में, खाली खेत में इसको फेंक दिया जाता है और उसको पीस कर उस तरह खेत में ढक दिया जाता है। तो इतना दूर अगर ये ज़मीन घेर लिया, अगर मान लीजिए 50 बीघा में इसके ब्लेड को आप फेंक दिए तो उतने दूर का ज़मीन बंजर हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं जमेगा, ठीक है। हाँ, आप कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इतने दूर में आप कुछ चीज़ रोप नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने दूर की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ख़त्म कर देता है, ठीक है। अब समझिए, देखिए, आप लोग इतना समझने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक पवन चक्की को बनाने में कितना खर्च आता है। तो ये साधारण आदमी के खर्च से ऊपर है, एक पवन चक्की को लगाने में करीब करीब 15 से 20 करोड़ का लागत आता है, ठीक है। आप लोग भी अपने घरों तक अपने घरों पे लगवा सकते हैं, ठीक है। आता है छोटा सा 50,000 1,00,000 के आसपास में खरीद कर, उससे करीब 3 से 5 किलोवाट बिजली उत्पादित होता है, तो उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये प्रदूषण मुक्त है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होने वाला है, बारिश, गर्मी, जाड़ा, बरसात हो, लेकिन अगर वायु का वेग बढ़िया हो और इसके ब्लेड्स आपके घरों तक आ सकते हैं तो स्थिति में ये बहुत ही कारगर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे मिलेंगे। तो जय हिंद, जय फ्लाईव्हील, थैंक्स फॉर वॉचिंग।